वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आई एम सर अली एंड यू आर वॉचिंग सर अली यूट्यूब चैनल। तो आज की अडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 9 में हम सीखेंगे ब्रश टूल के बारे में। वैसे ये छोटी सी क्लास होगी, इसमें ब्रश है, नॉर्मल ब्रश भी है, मैजिक ब्रश भी है, तो बैकग्राउंड ब्रश भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ब्रश के बारे में सीखते हैं। छोटा सा टूल है, छोटी सी वीडियो होगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अडोबी फोटोशॉप मैंने ये ऑन किया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने ये एक पिक्चर ये डाउनलोड की हुई है unsplash.com से। कोई भी आप पिक्चर पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये देखें, इसको मैं ये मैंने ऑन की, ठीक है। अब ये देखें, ये बैकग्राउंड है। अब मैं इस पे ये देखें, एक रेजर का बेसिकली मकसद क्या होता है कि कोई भी चीज़ रेज करने के लिए। ये मैंने ब्रश पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैं इस पे ब्रश रेज करूँगा, ये मतलब ये ब्रश मैंने पेंट कर दिया। अब यहाँ से मैंने इरेजर सेलेक्ट किया, ठीक है, ये इरेज का टूल है। अब ये देखिएगा, ये मैं इरेज करूँगा, तो ये क्या कर रहा है, ये देखिए, ये इरेज नहीं कर रहा, बल्कि ये जो बैकग्राउंड आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ ना, जैसे ब्लू है, तो वो कलर ही पेंट करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बैकग्राउंड लेयर पे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर पे ये रेजर वर्क नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो जो आपका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, ये बैकग्राउंड कलर ब्लू है ना, अगर मैं कोई और सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, देखिएगा, अब मैं जैसे ही रेज करूँगा तो ये देखें वो बैकग्राउंड कलर रेज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि बैकग्राउंड पे नहीं होगा। तो इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखें, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको ये खुद ही लेयर का नाम रख देगा, लेयर वन, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेयर वन, लेयर टू, ये जो भी आपने रखना है। ये नाम मैंने सेलेक्ट किया, अब ये देखिए खुद लेयर कन्वर्ट हो गया। अब देखिए मैं रेज करूंगा, तो अब ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रेज होगा, ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है आपकी क्लियर। अब ये रेज करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि सिंपली रेजर जो फर्स्ट है, वो अगर आपने बैकग्राउंड पे करना है तो वो बैकग्राउंड पे नहीं करेगा, वो बैकग्राउंड पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर को पेंट करना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि लेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट लेयर में, तो वो डबल क्लिक करके ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैंने लेयर क्रिएट कर ली, ये देखें यहाँ से, ये देखें मैं ये डिलीट कर दी लेयर, अब ये डिलीट होगी। अब मैंने एक लेयर क्रिएट करनी है, तो ये लेयर एक क्रिएट हो गई। अब इस लेयर पे मैं काम करूंगा, ठीक है। अब मैं इस लेयर पे हूँ जो मैंने खुद सेलेक्ट किया, अब देखिएगा मैं रेज करूंगा, तो अब ये देखिए बिल्कुल इजीली वो रेज करे। मैं पेंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये पेंट, सॉरी ये पेंट है, पेंट सेलेक्ट किया, देखिए ये मैं कुछ पेंट करता हूँ। अब इसको मैंने रेज करना है, ये रेज सेलेक्ट किया, ठीक है, अब ये देखिए ये रेज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के बैकग्राउंड पे नहीं वर्क करेगा, सेपरेट लेयर पे ये वर्क करेगा। अब अगर मैं इसके राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ से साइज छोटा बड़ा किया, से ये साइज देखे बिल्कुल छोटा हो गया, ये फिर राइट क्लिक किया तो साइज ये बड़ा हो गया, राइट क्लिक किया तो इसकी हार्डनेस कम है, तेज कर सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं, पेंट ये सेलेक्ट किया हमने, तो ये देखिएगा ऐसे, तो ये डिफरेंट आप ये देखिए सिलेक्शन है इसकी, आप खुद डिफरेंट सिलेक्शन सेलेक्ट करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर ये देखें कार्ड बैक स्पेस पे करूँ, ये देखें फ्लो है, फ्लो 100% है, फ्लो को थोड़ा काम कर लें, तो ये देखिएगा, ठीक है, पहले इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लें, हार्डनेस पे चेक थोड़ी और कर, लेकिन फ्लो देखिएगा, समझा रही, फ्लो का मतलब रेज करने की स्पीड थोड़ी कम हो गई है, ठीक है, और फ्लो कम करें तो ये देखिएगा इस तरह, लेकिन आप 100% रखें ताकि एग्जैक्ट फटाफट से रेज करना शुरू कर दें। ओपेसिटी भी वही सेम है, इस तरह साइज कम करेंगे तो ये भी देखिएगा वो ओपेसिटी, ठीक है, थोड़ा रेज अभी देखिएगा, फुल करेंगे तो ये,
ठीक है, ये राइट क्लिक की ऑप्शन है, ये जो आपको ऊपर भी मिल सकती है ब्रश मोड में, यहाँ पे भी ब्रश है, पेंसिल रख सकते हैं आप, फिर ब्लॉक है, ये ब्लॉक कर सकते हैं ये तो, लेकिन ब्रश का ये स्टाइल ठीक है, रेजर का ये ठीक हो गया। ये मोड था, ओपेसिटी था, फ्लो और राइट क्लिक से ये हो गया, ठीक है, साइज वगैरह, हार्डनेस और ये, और यहाँ से आप उसका स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं रेजर का, जैसे हमने पेंट में वो उसमें ब्रशेज में किया था, ठीक है। बहरहाल ये देखिएगा बैकग्राउंड और लेयर में ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अब ये जो इरेजर टूल है ना, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड इरेजर टूल है और मैजिक इरेजर टूल है। बैकग्राउंड से पहले मैं आपको मैजिक इरेजर टूल समझाना चाह रहा हूँ कि मैजिक इरेजर, ये मैजिक इरेजर टूल बिल्कुल है उसी तरह जिस तरह अगर आप ये यहाँ पे था ना सिलेक्शन में, अगर आप यहाँ पे था मैजिक वन टूल था ना, मैजिक वन टूल में देखिए मैं बैकग्राउंड पे ये काम करूँगा। मैजिक वन टूल क्या करता है कि जो एक जैसा होता है उसको, एक जैसा कलर जो होता है ना उसको सेलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे देखिए एक जैसे कलर को, इसी तरह ये जो मैजिक है ना, ये मैजिक इरेजर ये भी क्या करेगा, ये देखिएगा, ये अब मैं बैकग्राउंड पे हूँ, अब ये देखिए बैकग्राउंड लेयर पे काम करेगा। जैसे ही मैंने वो किया तो उसने खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर दिया ट्रांसपेरेंट लेयर में, ये जरा देखिएगा डिफरेंस, कंट्रोल आल टी। अभी ये देखेंगे मैं बैकग्राउंड लेयर पे हूँ, जैसे ही मैं इरेजर टूल, ये मैजिक इरेजर टूल सेलेक्ट करूंगा तो ये खुद ब खुद इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रांसपेरेंट लेयर में। ये मैंने सेलेक्ट किया, अब देखिएगा मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ तो ये देखे सेम, ये देखे सेम कलर के जैसे को इरेज कर रहा है वो, ठीक है, ये ठीक है, समझ आ गई। कंट्रोल ऑल्ट डी से अंडू करना तो ये फिर होता है ये, ठीक है जी। इरेजर का फंक्शन था जिसमें हमने ये इरेजर टूल समझा और मैजिक इरेजर टूल समझा, ये दो बेसिकली ज़्यादा काम करते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।